हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पूंजीवाद एवं समाजवाद क्या है एवं इसकी विशेषताओं को देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर को देखेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार यानी समाज का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण प्राप्त करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों, मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का कीमत का निर्धारण सरकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व बना रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय चुनने, उत्पादन करने आदि की निजी स्वतंत्रता होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वतंत्रता का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है, क्योंकि पूंजीपति का उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण नहीं होता, क्योंकि उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता बनी रहती है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उपभोक्ता के रुचि एवं इच्छा के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के संप्रभुता का अंत हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा एवं रुचि के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन एवं आय का असमान वितरण होता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के द्वारा लाभ का अधिकतम करने के लिए श्रमिकों को उनकी योग्यता से कम मजदूरी दी जाती है, जिससे अमीर और गरीब होते जाते हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में धन एवं आय का समान वितरण होता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था समान काम समान वेतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष का अभाव होता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।